किसान एमएसपी के लिए आए, उनको लाठी मिली, सरपंच अपने अधिकारों के लिए आए, उनको
और ये उन बेटियों को जरूरत है किसी ने आधार की सरकार ने किया और जब हम हिसाब मांग रहे हैं जब मैंने अपनी पदयात्रा शुरू करी करनाल से शुरू करी मैंने पदयात्रा और जब हिसाब मांगने की बात आई तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए दिल्ली से आए इनके बड़े बड़े मंत्री आए बड़े बड़े नेता आए मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता लेकिन आए और कहा कि उठा साहब आप अपना हिसाब क्या लोगे ये बीजेपी है बीजेपी किसी का हिसाब नहीं लेती हम तो आपसे हिसाब मांगे मैं उनको कहना चाहता हूं तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आके हरियाणा में ले जाकर कह रहे हैं कि हिसाब नहीं लेंगे कहीं और आपकी बात चल जाती होगी लेकिन बीजेपी वालों सुनो ये हरियाणा है प्रधान ये हरियाणा है प्रधान हरियाणा ये है ये हरियाणा वाला सीधा आदमी होता है हरियाणा का आदमी ठगा जाता है हरियाणा का आदमी ठगा जा सकता है सीधा है शरीफ है लेकिन जो ठग के जाता है उससे हरियाणा का आदमी हिसाब लेना भी जानता है उसका हिसाब और रिपोर्ट बीजेपी के पास चली गई कि हरियाणा में लोगों ने मनवा लिया बदलाव का बीजेपी को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस की सरकार बनाने का जब रिपोर्ट चली गई तो बीजेपी ने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया बीजेपी ने सबसे पहले अपने उप मुख्यमंत्री को बदला बदला के बदला उप मुख्यमंत्री वो भी आज घूम रहे हैं कहीं घूम रहे हैं चुनाव के बारे में क्या कहूं पहले समझाया था कोई घूमे पहले उप मुख्यमंत्री को बदला फिर अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला पूरी कैबिनेट को बदली फिर अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया सबको बदल दिया फिर चुनाव की तारीख बदल दी और फिर तारीख बदल के दोबारा से तारीख बदलने की अधिक दे दी लेकिन अपना घमंड नहीं बदला अपना अहंकार अपनी तानाशाही नहीं बदली अपना घमंड बदलते अपना अहंकार बदलते अपना घमंड अहंकार नहीं बदला अब आप क्या बदलोगे बीजेपी वाले अब आप क्या बदलोगे अपना बीजेपी वालों आप अपने चेहरे बदलते रह जाना है जनता हरियाणा की हम सरकार बदलने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है बीजेपी की सरकार जा रही है उड़ा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और अगर आप हिसाब हमने मांगा था आपसे आपने हिसाब नहीं दिया लेकिन मैं हिसाब आपको दे देना चाहता हूं बीजेपी वालों आप हिसाब मत देना लेकिन हमारा भी हिसाब सुन लो आज वो हिसाब ये है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा ने किया था बीजेपी की 5 हार गए पिछली बार कितनी थी 10 सीट पे बड़ी मुश्किल से 40 विधायक आए थे उसे चुनाव बनवा गया था पिछली बार लोगों ने तो पिछली बार पलट दिया था अब 5 आए बड़ी मुश्किल से बच गए यहां वाली सीट भी बाकी थोड़ी सी तो बीजेपी वालों आप हिसाब में देते हमारा हिसाब सुनना लोकसभा चुनाव में आपको किया था हाथ विधानसभा चुनाव में कर देंगे आपको साथ ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है ये लड़ाई किसान के सम्मान की गरीब आदमी के मान की हमारी बेटियों के इंसाफ की ये लड़ाई है ये लड़ाई हरियाणा को और मेवात को आगे लेके जाने की लड़ाई है मैं नमन करता हूं मेवात की इस देशभक्त धरती को मैं नमन करता हूं जब जब कभी देश के कभी कोई बात आई कभी देश के दुश्मन ने देश को पीड़ी नजर से देखा तो अगर सबसे पहले कोई खड़े होकर आया तो मेवात से मेरा भाई सबसे पहले मुझे गर्व है इस बात पर
सारे लीडर आगे, आप सब
पीछे बहुत बढ़िया बहुत आगे एक मीडिया की बहन आई उस
आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी।